चीनी की चाशनी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 किलो चीनी और 750 ml पानी। चाशनी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ क्योंकि मुझे कई रेसिपीज में इस्तेमाल करना है। इसके अंदर मैंने फ्लेवर ऐड नहीं किया है। आप अपनी ज़रूरत अनुसार इलायची पाउडर, केसर या रोज़ एसेंस ऐड कर सकते हैं। अक्सर चीनी में कभी कभी थोड़ी गंदगी होती है तो हम इसे स्ट्रेनर से निकाल देंगे और इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे, लगभग एक तार की चाशनी बन जाने तक। चाशनी को क्लीन करने के लिए इसके अंदर रीठा का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो इसके अंदर आप 2 चम्मच दूध डालकर इसको क्लीन कर सकते हैं। दूध डालते ही किनारे चीनी के झाग बनने लगती है। चाशनी में जब झाग बनेगी तो आप उसे चम्मच से या स्ट्रेनर से निकालकर अलग कर देंगे तो चाशनी हमारी बिल्कुल साफ बनेगी। चीनी के अंदर क्रिस्टलाइजेशन ना हो इसके लिए 3-4 बूंदे नींबू की डाली जा सकती हैं। हमारी चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। इसे हम कई रेसिपीज में यूज कर सकते हैं, जैसे गुलाब जामुन, रसगुल्ला आदि।